वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है कि हम लोग अमीनो एसिड को, एसेंशियल अमीनो एसिड को कैसे याद रखें, राइट? सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं और या सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और जिन्हें हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, राइट? और वो अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, अगर हम उसे डाइट के थ्रू नहीं मिले तो हमारे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसे हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और वो अमीनो एसिड जो थोड़ा बहुत हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है और थोड़ा बहुत हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, तो इन्हें हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको आज एक ट्रिक बताया जाएगा जिसके हेल्प से आप अमीनो एसिड को, जो एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, जो हम जब हम एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रख लेंगे तो रिमेनिंग जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, राइट? सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस ट्रिक के थ्रू एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखना है और वो है टीवी मिल पाथ। टीवी मिला पाथ में, पाथ मतलब रास्ता, टीवी कहां मिला, पाथ में, टीवी मिल पाथ। सो फ्रेंड्स, इसमें जो एक लेटर है वो एक लेटर एक एसेंशियल अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं वो होता क्या है। सो यहाँ टी को रिप्रेजेंट करेगा थ्रियोनीन को, थ्रियोनीन, राइट? वी रिप्रेजेंट करेगा आपको वेलिन को, वेलिन। यहाँ पे एन से हो जाएगा आपका मेथियोनीन, एन से हो जाएगा मेथियोनीन, राइट? यहाँ पे आई से हो जाएगा आइसोल्यूसीन, आई से हो जाएगा आपका आइसोल्यूसीन। यहाँ पे फिर आपका एल से हो जाएगा ल्यूसीन, एल से आपका हो जाएगा ल्यूसीन, ल्यूसीन। यहाँ पे एल से फिर दूसरा जो एल है उससे हो जाएगा आपका लाइसीन, ल्यूसीन के बाद लाइसीन। फिर पी से हो जाएगा आपका फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, राइट? इसके बाद से आपका ए से हो जाएगा आपका अर्जिनिन, ए से हो जाएगा आपका अर्जिनिन, राइट? यहाँ से ए से अर्जिनिन हो जाएगा। उसके बाद से आपका टी से हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन, टी से आपका हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, राइट? इसके बाद से आपका जो एच से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, राइट? ए से हो जाएगा आपका हिस्टिडीन। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन सारे एसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, इसमें जो अर्जिनिन और जो हिस्टिडीन है, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये दोनों जो होता है ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। अर्जिनिन, अर्जिनिन और ये आपका हिस्टिडीन जो है, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों सेमी एसेंशियल होते हैं और ये सारे के सारे आपके एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा जो अमीनो एसिड इसमें नहीं है वो सब क्या हुआ है, सब समझदारी की बात है। यहाँ पे जो नहीं है वो क्या हुआ है, नॉन एसेंशियल हो गया, राइट? इस तरह आप एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल को याद कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको ये टीवी मिल पा कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं वीआईपी हॉल में टीटी, राइट? आप ऐसे लिख सकते हैं इसे वीआईपी, वीआईपी हॉल में, वीआईपी हॉल, वीआईपी हॉल में टीटी, राइट? आप ऐसे लिख सकते हैं वीआईपी हॉल में टीटी, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ये मे में एम ए आई, ये व्हाट्सएप इंग्लिश और कुछ नहीं है, राइट? सो वीआईपी हॉल में टीटी, आप इस तरह भी इन जो एसेंशियल अमीनो एसिड का फर्स्ट लेटर याद रख सकते हैं जिसके हेल्प से उनका नाम बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर यूजफुल वीडियो।